Hi everyone, I welcome you all to this next session of fixed income. L1 में fixed income में हम अभी तक की क्लास में स्पॉट रेट कर चुके हैं, फॉरवर्ड रेट्स कर चुके हैं, आज पार रेट करने वाले हैं। जैसे ही पार रेट कंप्लीट होगा हमारी पूरी की पूरी एक रीडिंग क्लोज हो जाएगी। अच्छा टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है पूरे के पूरे, मतलब स्पॉट रेट, YTM, फॉरवर्ड रेट, पार रेट्स, ये चारों के सारों एक साथ अगर आप मिला दें, और L2 में दो तीन चीजें और आती है, आई एम टेलिंग यू, मतलब 99% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड इट, मतलब डू नॉट अंडरस्टैंड द क्लियर कट डिफरेंशिएशन इन देयर माइंड्स। आई विल होप दैट आपके साथ ऐसा ना हो, आई विल होप फॉर दैट आप लोग इस चीज को कॉन्सेप्चुअली भी समझ पाएंगे, नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉकिंग ऑफ द एग्जाम्स। तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बार रेट्स, चलिए देखते हैं। मीनिंग लिख रहा हूं, शायद सिर्फ और सिर्फ अकेला थ्योरेटिकल लाइन लिखूंगा जो पूरे के पूरे डिस्कशन में लिख रहा हूं, देखना एक बार। व्हाट इज पार रेट? इट इज द YTM ऑफ अ बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार। YTM ऑफ अ बॉन्ड विच इज ट्रेडिंग एट पार, क्या मीनिंग हुआ इसका सर? मतलब ऐसा हुआ, एक बॉन्ड जो पार पे ट्रेड कर रहा हो, पार पे ट्रेड कर रहा हो मतलब उसका पीवी और एफवी बराबर होगा, उसका पीवी और एफवी बराबर होगा, यस नो? हाँ सर बात तो ठीक है। अगर एक बॉन्ड पार पे ट्रेड कर रहा है और उसका पीवी और एफवी बराबर है, तो मुझे बताओ इसमें कूपन कितना मिलेगा, इसमें कूपन कितना मिलेगा? मोर देन इक्वल टू या लेस देन YTM? कूपन कितना मिलेगा? मोर के लिए M, इक्वल के लिए E, लेस के लिए L, क्या होगा? इक्वल टू ही होगा वो, डेड श्योर? बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, PV इज इक्वल टू 100, आपने 100 रुपए का बॉन्ड लिया, लेट्स से 5 साल का बॉन्ड है, 0 या 3 साल का बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है ना? आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, आपको फ्यूचर में 100 रुपए वापस मिल जाने, ठीक है? मान लो इसका कूपन 7% है, तो यू गेट 7, यू गेट 7, यू गेट 7। मुझे बताओ इस बॉन्ड का YTM क्या होने वाला है? 7 ही होने वाला है ना, तो कूपन इज इक्वल टू YTM। तो पार रेट का क्या मीनिंग हुआ? एक ऐसा बॉन्ड, पार रेट क्या है, एक YTM एक ऐसे बॉन्ड का जो पार पे ट्रेड कर रहा हूं, मतलब पार बॉन्ड का YTM इस पार रेट, ठीक है? अब एक बार पार कर्व क्या होगा, व्हाट वुड बी द पार कर्व, पार रेट कर्व? पार रेट कर्व या पार कर्व ऑब्लिक पार रेट का, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ये क्या होगा? अगर आप, अगर आप एक ऐसा बॉन्ड लें जो 1 ईयर टर्म का हो, मैच्योरिटी टर्म जिसका 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, मान लो ये सारे के सारे जो हैं, अच्छा चलो ठीक है एक बार करके ही देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सी में लिख रहा हूं कैलकुलेशंस, पार YTM इज 5%, 5.97% एंड 6.91%।
अब देखना, मैं यहां पे बोलना क्या चाह रहा हूं, एक 1 ईयर बॉन्ड है, इसका पार YTM इज 5%, पार YTM इज 5%। इसका क्या मतलब हुआ? आपने ये दो चीजें सीखी, पीवी और एफवी बराबर है, कूपन और YTM, कूपन और YTM बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, पीवी इज इक्वल टू एफवी इज इक्वल टू 100 एंड कूपन इज इक्वल टू YTM। तो मुझे एक बार ये 1 ईयर वाले बॉन्ड का बताओ, 1 ईयर वाले बॉन्ड के कैश फ्लो बताओ मुझे क्या होंगे, ये टाइम जीरो ये टाइम वन। 100 रुपए का बॉन्ड अगर मैं डालू, अगर मैं 100 रुपए का बॉन्ड डालू तो मुझे क्या वापसी मिलेगा, 5 रुपए प्लस 100 रुपए, यस नो? अगर 2 साल वाले बॉन्ड का डालू, अगर 2 साल वाले बॉन्ड का डालू तो मुझे बताना, अगर 2 साल वाला बॉन्ड है, टाइम जीरो टाइम वन टाइम टू, इसके अगर मैं कैश फ्लोज लिखूं ये क्या मिलेंगे? सबसे पहले एक बार पीवीएफवी लिख लेते हैं, दिस इज -100 दिस इज +100, ठीक है? मुझे बताओ इसमें कूपन कितना मिलेगा मुझे, कूपन इज इक्वल टू YTM, तो यहाँ पे मुझे कूपन कितना मिलेगा, 5.97, दिस इज 5.97। अगर ये 3 साल का होता, 0, 1, 2 एंड 3, कैश फ्लोस क्या होंगे देखना, दिस इज -100 दिस इज +100, यहां पे कूपन क्या मिलेगा, 6.91%, दिस इज +6.91, +6.91 एंड दिस इज 6.91 अगेन। एक एक बॉन्ड को इंडिविजुअली देखना, मुझे बताओ इसका YTM कितना आने वाला है, 6.91, इसका YTM कितना आने वाला है, 5.97, इसका YTM कितना आने वाला है, 5। और YTM होता क्या है, YTM IRR ही तो होता है कि ये बॉन्ड को अगर मैं पूरा मैच्योरिटी तक होल्ड कर लूं तो कितना पैसा मिलेगा, तो इन सब के YTM तो उतने ही आने वाले हैं जितने कूपन है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, अच्छा इसमें पार कर्व क्या बनेगा देखना, हाउ विल द पार कर्व लुक लाइक, इट विल बी इंटरेस्ट विल बी टाइम, टाइम वन टाइम टू टाइम थ्री। टाइम वन का होगा 5%, टाइम टू का होगा 5.97% और टाइम थ्री का होगा 6.91%। ये हो गया आपका पार कर्व, यस नो? अब देखो, मान लो आपको यहां पे बोल लेता कि ये पार YTM दिया है, कंप्यूट स्पॉट रेट्स और टर्म 1 टू एंड थ्री, मतलब S1 S2 S3 ये निकालो। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आइडियली कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये कैश फ्लो लेस रिस्की है, ये कैश फ्लो मोर रिस्की है। क्यों मोर रिस्की है? क्योंकि ये फर्दर आउट मिल रहा है, मतलब ये दूर मिल रहा है, ये आज से ज्यादा समय के बाद मिलेगा, ये आज से बहुत रिसेंट समय मिलेगा, तो ये कम रिस्की है ये ज्यादा रिस्की है। जो कम रिस्की उसका जो डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम है, और ये ज्यादा रिस्की है तो इससे मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो इसका डिस्काउंटिंग रेट क्या होना चाहिए, मोर, यस नो? यहां तक अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो राइट ओके इन द चैट बॉक्स। मतलब अगर मैं इन सब के स्पॉट रेट्स लगाता तो वो अलग अलग होते, इसका स्पॉट रेट होता लो, इसका स्पॉट रेट होता मीडियम, इसका स्पॉट रेट होता हाई। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब
अब मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूं, ये तीनों की रिस्क बराबर होगी या ये तीनों में रिस्क कुछ चेंज होगी? आर दीज कैश फ्लोज इक्वली रिस्की और नॉट? आई थिंक यस, ये तीनों की रिस्क तो बराबर ही है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। तो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग ऑन दीज लाइंस कि जो डिस्काउंट रेट इसका होना चाहिए वही डिस्काउंट रेट इसका होना चाहिए, वही डिस्काउंट रेट इसका होना चाहिए। इसका तो डिस्काउंट रेट बड़ी इजीली तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है, यस नो? इसका डिस्काउंट रेट तो बड़े इजीली तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है, और वो क्या होगा? वो 5% ही होगा। कैसे करोगे देखना एक बार। यू विल से पी वी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और ये क्या होगा? इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो ये क्या होगा? 100 इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्पॉट रेट 1 होल टू द पावर 1। स्पॉट रेट 1 कितना आएगा बताओ? 5%, यस नो? सेकेंड ईयर में क्या होगा? 100 इज इक्वल टू 5.97 डिवाइडेड बाय 1.05 होल टू द पावर 1 प्लस 105.97 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्पॉट रेट 2 होल स्क्वायर। स्पॉट रेट 2 कितना होगा ये बताना है आपने। व्हाट इज स्पॉट रेट 2 ओवर हियर? फाइव पॉइंट नाइन 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 परसेंट आ रहा है मेरा, 5.9992%। इसको 6% ही कह देता हूं। तीसरा वाला 100 इज इक्वल टू 6.91 डिवाइडेड बाय 1.05 प्लस 6.91 डिवाइडेड बाय 1.05 सॉरी डिवाइड बाय 1.06 स्क्वायर प्लस 106.91 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S3 क्यूब। S3 कितना होगा? ये आ रहा है 7.0005%, विच इज 7%। हाँ या ना सर? किया क्या आपने? मैंने ये वाले पार YTM से S1 निकाल लिया, इस S1 को यहां पे इनपुट के समान यूज कर लिया। आई हैव यूज दिस एज एन इनपुट ओवर हेयर, और बिकॉज मुझे पता है कि फर्स्ट वाले कैश फ्लो के लिए सेम डिस्काउंटिंग रेट रहेगा तो एकदम ठीक है। ये पार पे है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 100 है, तो इससे मैंने S2 कंप्यूट कर लिया। और उसके बाद जब S2 आया, व्हेन आई गॉट S2 आई यूज्ड इट एज एन इनपुट ओवर हेयर, और ये वाले को मैंने एज एन इनपुट यहां भी यूज कर लिया था। तो प्रैक्टिकली आपने क्या किया, आपने हर पार YTM से उस ईयर का स्पॉट रेट निकाल लिया,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। बिकॉज प्रैक्टिकली आप देखोगे तो जैसे लेसेस खोलते हो ना, वैसे एक लेस के बाद दूसरी लेस खुल रही है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप का प्रोसेस निकल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर मैं चुपचाप से सिर्फ और सिर्फ इस पार YTM को यहां प्लेस करूं, तो ये है मेरा पार कर्व, ये है मेरा पार कर्व, ये पार रेट रादर, दिस इज द पार रेट। और अब मैं आपको इसके सामने लिख रहा हूं स्पॉट रेट्स। स्पॉट रेट्स क्या है? 5%, 6% एंड 7%। ठीक है जी, यस और नो? सर हमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पार रेट जो थे ये था तो YTM ही ना? अब मुझे बताना ये जो 6.91 है ये कैसे आया है? इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ दीज थ्री। ये 5.97 कैसे आया? इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ दीज टू। और ये 5% कैसे आया? इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ फाइव। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर एक बार सारी की सारी चीजें एक साथ बोलोगे? हाँ देखो, स्पॉट कर्व या स्पॉट रेट ये क्या है? या एक सेकेंड रुको, सारी की सारी चीजें एक साथ अलग वीडियो में बोलूंगा, पहले एक बार पार कर्व सेटल करो। इसमें कोई डाउट्स है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूं। सुनना, आपकी बुक्स ये डेफिनेशन देती हैं पार रेट की, एज सच कॉन्सेप्चुअल पीस एट माय एंड इज ओवर। आपकी बुक्स डेफिनेशन ये देती हैं पार रेट की, इट सेज अ पार रेट इज अ मार्केट डिस्काउंट रेट फॉर अ स्पेसिफिक मेच्योरिटी दैट वुड रिजल्ट इन अ बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार। ऑल इट मीन्स इज दिस, पीवी इज इक्वल टू एफवी एंड कूपन इज इक्वल टू YTM। और कुछ नहीं बोला इसमें, और कुछ भी नहीं बोला इसमें, सिर्फ इतना ही बोला है। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज अ पार रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट रेट्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द मेच्योरिटी डेट। तो इस पीस को हटा दीजिए आप, ये पीस की आपको ऐसे दरकार नहीं है, आप इतना पढ़ लें इतना इनफ है। अ पार रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट रेट। हमने क्या किया है देखना, जो मैंने आपको कैलकुलेशंस कराया, ये कैलकुलेशंस की ना बल्कि हेडिंग चेंज कर लो। ओवर हेयर वी कैन राइट डेरिवेशन ऑफ स्पॉट रेट फ्रॉम पार रेट। ये किस तरीके से किया जाता है? बूटस्ट्रैपिंग से। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बढ़िया था ये, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है इन द सेंस आपकी बुक्स ये नहीं कह रही है, दी एलओएस डजंट डिमांड दिस। सर ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पाता ये समझाए बिना, तो इसीलिए मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी था इसको कराना। आपकी बुक्स ने जो बोला है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट बोला है इसका। वो बोल रहे हैं कि यहां पे मैंने आपको बोला कि स्पॉट रेट निकाल के बताओ अगर पार रेट गिवन है तो। अब वो बोल रहे हैं अगर आपको पॉइंट नंबर डी, वो बोल रहे हैं अगर आपके पास स्पॉट रेट गिवन है, अगर आपके पास स्पॉट रेट गिवन है, डेरिवेशन ऑफ पार रेट फ्रॉम स्पॉट रेट ये करो। ये करके दिखाओ वो कह रहे हैं। दिस इज इन एलओएस, दिस इज इन एलओएस, मतलब एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट है, एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट है, ये एग्जाम में नहीं आ सकता, नॉट इन एलओएस। सर एलओएस में नहीं है तो नहीं आएगा एग्जाम में, 100% कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम। बट आपको लॉजिकली समझ तभी आएगा जब आपने ये वाला पार्ट सी किया हो, तभी जाके शायद पार्ट डी भी ठीक ठाक से आप कुछ कर पाए। पार्ट डी इज पार्ट ऑफ एलओएस, बट
मुझे क्वेश्चन देख के ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये पूछना एग्जाम में बहुत ज्यादा मुश्किल है उनका, मतलब दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेस्ट दिस इन एग्जाम। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? रुको, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं क्यों कह रहा हूं ऐसी चीज, देखना एक बार। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, देखना। आपकी बुक्स कह रही है मान लो टर्म 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर का है, और इसके जो स्पॉट रेट्स हैं, इसके जो स्पॉट रेट्स हैं वो क्या हैं? वो है 5.263, 5.616%, 6.359%, 7.008%। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ऐसे आप परसेंटेजेस देखो, आपको अपने कैलकुलेटर को एटलीस्ट 3, 4, 5 डिजिट्स पे कर लेना चाहिए चेंज, डेसिमल पे, ठीक है? 2 डिजिट्स पे मत करना, आंसर ठीक नहीं आएगा। समझना एक बार, ओरिजिनली आपको पार YTM दे रखा था, पार YTM दे रखा था, आपको स्पॉट निकालना था। तो YTM क्या था? YTM मतलब पार रेट क्या है? पार रेट इज नथिंग बट द YTM। तो YTM क्या है? YTM इज द एवरेज ऑफ स्पॉट्स। तो आपको एवरेज दे रखा था, आपको इससे स्पॉट निकालना था, आपको एवरेज दे रखा था, स्पॉट निकालना था। अब आपको स्पॉट दे रखा है, आपको बोल रहा है पार रेट निकालो। पार रेट है क्या? YTM, और YTM है क्या? एवरेज। हाँ या ना? हाँ सर, देखना ये क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट है 5.263। देखना एक बार विजुअली कैसा दिखना चाहिए। इट सेज टाइम 0, टाइम 1, ठीक है? ये बोल रहा है टाइम 0 में 100 रुपीज आप दोगे, यहां पे 100 रुपीज आपको मिलने चाहिए, क्योंकि पार कर्व निकालना है। तो पार कर्व की क्या रिक्वायरमेंट होगी? पार कर्व की क्या रिक्वायरमेंट होगी? देखना एक बार, दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक है कूपन इज इक्वल टू YTM, दूसरा है PV इज इक्वल टू FV इज इक्वल टू 100। तो यहां पे मैंने 100 100 प्लेस कर दिया। PV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यस नो? ये 100 रुपीज कैसे आएगा? यहां जो कूपन मिलने वाला है, इसको मैं PMT1 बोल दे रहा हूं, वो क्या हो? 100 प्लस PMT1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्पॉट रेट 1। स्पॉट रेट 1 गिवन है क्या अपने को? द आंसर इज वेरी मच यस, 5.263%, 1 प्लस स्पॉट रेट 1 होल टू द पावर 1। देखना एक बार, 100 इज इक्वल टू 100 प्लस PMT डिवाइडेड बाय 1.05263, ठीक है जी? कंप्यूट PMT1, PMT1 कितना आएगा बताना? इट शुड बी 5.263 रुपीज, यस नो? और PMT कंप्यूट कैसे किया होगा आपने? PMT क्या है? PMT इज द इंटरेस्ट फीस ना, PMT तो इंटरेस्ट है ना, ये कैसे कंप्यूट किया होगा? कूपन रेट इनटू पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 100, दिस इज 5.263, तो ये कितना परसेंट होगा? दिस वुड हैव बीन 5.263%। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आ गया? विथ ऑल दिस एक्सरसाइज, विथ ऑल दिस एक्सरसाइज, व्हाट इज द पार रेट? पार रेट इज 5.263%। ये तो बिना किए भी आ जाता। सर आप करें क्यों फिर? सर जस्ट प्रूव करने के लिए, फर्स्ट ईयर में पार रेट और स्पॉट रेट बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार रेट तो एवरेज है, किसका? स्पॉट रेट का। और 5 का एवरेज क्या? 5 का एवरेज क्या? इफ देयर इज जस्ट वन नंबर, देन उसका एवरेज क्या होगा? वो नंबर खुद
दिस हैज टू बी 5.263%, यस नो। मुझे नेक्स्ट नंबर बताइएगा, ये वाला नंबर बिना कंप्यूट किए, ये वाला नंबर बिना कंप्यूट किए। दिस नंबर इज गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ दीज टू। ये मैंने बात ठीक बोली है गलत बोली है? ये जो अगला नंबर है इट विल बी द एवरेज ऑफ 5.263 एंड 5.616। आप इससे एग्री करते हैं तो यस लिखिए, नहीं एग्री करते तो नो लिखिए। ठीक है, तो मुझे बताना ये नंबर कहाँ, ये नंबर किस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5.263, लेस देन 5.263, मोर देन 5.616, या इन मिडिल, ए बी या सी, ए बी या सी, इन बिटवीन होगी वो पक्का, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। हाँ सर, निकालते हैं, आइए एक बार सेकेंड टर्म के लिए निकालते हैं। दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज -100, दिस इज +100। यहां पे आया पीएमटी, यहां पे भी आया पीएमटी। बाय द सेम लॉजिक यहां क्या होना चाहिए, 100 इज इक्वल टू पीएमटी डिवाइडेड बाय 1.05263, फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट प्लस 100 प्लस पीएमटी डिवाइडेड बाय। वन पॉइंट जीरो फाइव सिक्स वन सिक्स स्क्वायर। हाँ या ना, दिस विल बी द केस। सही बोल रहा हूं ना मैं? फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को फर्स्ट ईयर के स्पॉट रेट से डिस्काउंट किया, सेकंड ईयर के कैश फ्लो को सेकंड ईयर के कैश फ्लो से डिस्काउंट किया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, कर सकते हैं क्या? हाँ एज सच तो कर सकते हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो। कैसे करूंगा देखना एक बार, मैं इसे कैसे लिख लूंगा देखना। आई विल राइट दिस एज 100 डिवाइडेड बाय 1.05616 स्क्वायर प्लस पीएमटी डिवाइडेड बाय 1.05616 स्क्वायर प्लस पीएमटी डिवाइडेड बाय 1.05263 इज इक्वल टू 100। अब मैं इस नंबर और इस नंबर को आपस में नॉक ऑफ कर दूंगा, आई टेक इट ओवर हेयर, कितना आएगा देखना, 1.05616 स्क्वायर, 1.05616 स्क्वायर 1/x इनटू 100 इज इक्वल टू 89.6479 माइनस प्लस 100 इज इक्वल टू STO1। ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 10.3520। दोस्त यहां पे FVPV कर ही नहीं सकता ना, कहां से करूं, बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे यार, इससे अच्छा ये मेरा वैसे ही मैनेज हो जाएगा। अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं 1.05263 1/x कर दूंगा और इसे STO1 रख दूंगा और 1.05616 स्क्वायर करूंगा। वन पॉइंट जीरो फाइव सिक्स वन सिक्स स्क्वायर 1/x STO2 RCL1 प्लस RCL2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1.84648 PMT। PMT कितना आ जाएगा अब देखना, इट विल बी 1/x ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 10.3520। दिस इज कमिंग आउट एज 5.6064। तो कूपन का रेट क्या होगा, कूपन विल बी 5.6064%। ये लोग 3 डिजिट्स ले रहे हैं, मैं भी 3 डिजिट लेके दिखा दूंगा, 5.606%।
ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सॉल्व होता जाएगा, ये ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। मैं सिर्फ 2 साल का करके दिखा रहा हूं, मेरे ख्याल से प्रोसेस समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर दिया था, इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करके ये वैल्यू निकाल ली और ये दोनों को कंबाइन करके इस तरफ ले गया, इससे मेरा पीएमटी आ गया 5.6064। ये जो मैंने अभी करवाया ये आपके कोर्स में है, मुझे चैलेंजिंग लगता है कि आपको वो एग्जाम में ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन दे, बट यू नेवर नो। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता भाई भाड़ में जाए, एग्जामिनर की चिंता, उसने क्या देना है और क्या नहीं देना। मैं तो यही मान के चलूंगा कि सब कुछ टेस्टेबल है, सब कुछ आएगा एग्जाम में, और मैं चीजों को उस तरीके से लेके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है जी, आर वी गुड? जस्ट वन सेक, लेट अस मूव अहेड। ये कल ना मैंने आपको एक ये छोटा सा क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, एक काम करते हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कॉन्सेप्चुअल पीस ओवर है, कॉन्सेप्चुअल पीस ओवर है। मैंने आपको ये जो पार्ट डी करवाया है ना, जो पार्ट डी करवाया, डेरिवेशन ऑफ पार रेट फ्रॉम स्पॉट रेट, जो आपके कोर्स में भी है, मैं इसी का एक और एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको, ये वाला। मान लीजिए दिस इज द स्पॉट रेट दैट इज गिवन टू यू, दिस इज द स्पॉट रेट गिवन टू यू, आप इससे पार रेट निकाल के दिखाइए थर्ड ईयर का, कैलकुलेट द पार रेट ऑफ फॉर अ 3 ईयर कैनेडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये करके दिखाइए मुझे, कैलकुलेट द पार रेट ऑफ अ 3 ईयर कैनेडियन गवर्नमेंट बॉन्ड। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक कि हम ये कर लेंगे, कितनों को लगता है कि हो जाएगा हमसे? एक कैंडिडेट कह रहा है वो थर्ड ईयर के नंबर के आसपास ही होगा, बात तो ठीक है, मुझे बताओ थर्ड ईयर के नंबर से थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा? मोर देन 0.8 होगा, 0.8 होगा, या लेस देन 0.8 होगा? हाँ, अब दिमाग चलने लग गया सबका, लेस, वेरी गुड यार, गजब। क्यों? बिकॉज पार रेट निकालना है, पार रेट तो एवरेज है, पार रेट तो एवरेज है इन तीनों का, इन तीनों का एवरेज है। यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है भाई? ये पार रेट निकालना है, तो पार रेट होता क्या है? पार रेट तो होता है वाईटीएम, पार रेट तो होता है वाईटीएम, तो वाईटीएम क्या होगा? थर्ड ईयर का अगर पार रेट निकालना है तो इन तीनों का एवरेज होगा, लेकिन जो हाईएस्ट वेट होगा वो कौन से ईयर का होगा, 1, 2 या 3? हाईएस्ट वेट होगा वो कौन से ईयर का होगा? हाईएस्ट वेट जो होगा वो कौन से ईयर का होगा? बिकॉज दिस इज द एवरेज, तो इट विल लाई बिटवीन 0.31 एंड 0.8, बट बिकॉज इट इज दी वाई टी एम और प्रिंसिपल रिपेमेंट यहां पे हो रही है, तो हाईएस्ट वेट इसका होगा, तो इसके आसपास होने वाला है, तो बहुत क्लोज होगा यहां से। तो ऐसे मेरा तुक्का ऐसा है कि 0.78, 0.79 आ जाना चाहिए। तो अगर एग्जाम में तीन ऑप्शन दिखे, एग्जाम में तीन ऑप्शन दिखे, वो बोल रहा है एक ऑप्शन है 0.5, एक ऑप्शन है 1.2 और एक ऑप्शन है 0.2। दोबारा बोल रहा हूं, एक ऑप्शन है 0.75, एक ऑप्शन है 0.2, एक ऑप्शन है 1.2। कैलकुलेट ही करने का मतलब नहीं है, चुपचाप से ऑप्शन है टिक करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना है, मत कैलकुलेट करो, जिंदगी में टाइम वेस्ट करने की और जगह मिलेंगी। करना एक बार इसको कैलकुलेट करो, अभी जो मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस पर कैलकुलेट दिस यूजिंग द मेथड दैट यू हैव जस्ट लर्न्ड। प्रैक्टिस के लिए जैसा डी मैंने करवाया था ऐसे ही एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस और दिए हैं, रिकॉर्डिंग से पहले, रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी, 2 क्वेश्चंस दिए हैं रिकॉर्डिंग से पहले, मतलब रिकॉर्डिंग पॉज करने से पहले ये क्वेश्चन दे चुका था, लेट्स कॉल इट ई, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज E1, दिस इज E2, E1 एंड E2 सॉल्व करिए, E1 एंड E2 सॉल्व करिए, क्या है? इट सेज कैलकुलेट द पार कर्व फॉर अ 3 ईयर कैनेडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट अ 3 ईयर पार रेट गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, फिर दे क्यों रहे हो, सब सेम सेम ही क्वेश्चन है तो? दोस्त
बिकॉज इसकी कैलकुलेशन इतनी वाहियात है, तो कुछ क्वेश्चन अगर हाथ से नहीं करोगे तो नहीं बनेगा आपसे। ये मैंने कर दिया था बिकॉज ऑनेस्टली आई एम वेरी डिसेंट इन मैथ्स, आई बीन वेरी डिसेंट इन मैथ्स ऑल माई लाइफ। लेकिन जो लोग जनरली मैथ्स मैथ्स नहीं सॉल्व करते हैं वो कांड कर देंगे कुछ ना कुछ। हाँ कुछ नहीं होता, आप मैथ्स में अच्छे हो या नहीं हो, आप इसके 4 क्वेश्चन करिए आप अच्छे हो जाएंगे, चिंता ना करें आप। जितना रिक्वायर्ड है उतना बढ़िया हो जाएगा। मुझे बताओ पार रेट क्या है? पार रेट है एवरेज, पार रेट है एवरेज, तो 0.31 और 0.8 के बीच में रहेगा, जस्ट लेसर देन दिस, यस नो। मुझे यहां पर बताओ क्या होगा, मुझे यहां पर बताओ क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल बी द पार रेट, व्हाट विल बी द पार रेट? देखना मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, 2.6, 2.6, लेस देन 2.6, मोर देन 2.6, क्या होगा? इक्वल टू, लेस या मोर? ई एल या एम? ई एल या एम? ये वाले क्वेश्चन में ई एल या एम, सबने आंख बंद करके लिख दिया एल। क्यों? बिकॉज उन्होंने बोला देखो यहां पे 0.8 से जस्ट अंदर, देखना यहां पे पार रेट राइजिंग था, यहां पे स्पॉट रेट्स राइजिंग थे, यहां पे क्या होगा? द पार रेट इज द एवरेज, एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ 3, 2.8 एंड 2.6, इन तीनों का एवरेज है। विथ हाईएस्ट वेट गिवन टू व्हाट? विथ हाईएस्ट वेट गिवन टू दिस, तो 2.6 के पास होगा ये पता है, लेकिन जो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 2.6 से ज्यादा हैं, तो 2.6 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 2.6 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैं बोल रहा हूं 2.6, 2.8 और 3, 3, 2.8 और 2.60, ये तीन है ना स्पॉट रेट्स, इन तीनों का एवरेज है पार, सॉरी हाँ, इन तीनों का एवरेज इज दी YTM या फिर दी पार रेट। अब बिकॉज इन तीनों का एवरेज है तो ये तो बात पक्की है कि 2.6 और 3 के बीच में होगा, 2.6 और 3 के बीच में होगा, ये बात पक्की है। और बिकॉज हाईएस्ट वेटेज 2.6 है, बिकॉज हाईएस्ट वेटेज 2.6 है तो 2.6 के करीब होना चाहिए, तो इक्वल टू मतलब वेरी क्लोज टू 2.6 बट बिटवीन 2.6 एंड 3, तो क्या होगा इसका आंसर? 2.6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यहां पे आंसर है मोर। सर अभी तक तो हमेशा लेस आता था, हाँ लेस आता था क्योंकि यहाँ पे जो स्पॉट रेट्स थे वो अपवर्ड स्लोपिंग थे, अब जो स्पॉट रेट्स हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये चेंज हो जाएगा। सर इसको रट लेते हैं हम, हाँ रटो, एग्जाम में जाके एक्सीडेंट करा के आना, रटने वालों का कुछ नहीं होने वाला, सोचने वालों का होगा, तो सोचो ज्यादा बेहतर है वो, ठीक है? सॉल्व करिए ये दोनों के दोनों, मेरे लिए सॉल्व करने से ज्यादा इंट्यूशन डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है देयर इज अ गुड चांस कि एग्जाम में जो नंबर्स आएंगे वो 2.605, 2.595 एंड 2.60, ये तीन दे देगा। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसको सॉल्व नहीं कराता, मैं नंबर्स देता 2.60, 2.595 एंड 2.605। मैं कहता अगर कोई बहुत होशियार बंदा होगा तो वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा, वो क्वेश्चन पढ़ेगा, ऑप्शंस देखेगा, ऑप्शन देख के उसको पता चल जाएगा 2.60 से बड़ा होना चाहिए, ये गारंटीड है, और एकमात्र ऑप्शन है टिक मार आगे बढ़। अ ब्लडी शार्प स्टूडेंट विल डू दिस, कितनी देर लगेगी सॉल्व करने में? 10 सेकेंड। एक रटने वाला बच्चा इसको सॉल्व कर देगा ठक 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 करके, वो आंसर ठीक निकाल देगा 2.605, लेकिन वो इसी को सॉल्व करने में लगा देगा 4 से 5 मिनट, और उसके बाद एक बेवकूफ बच्चा क्या बोलेगा, या जिसको फंसा दिया एग्जामिनर ने, उसको क्या पता है? उसको पता है एवरेज होता है, एवरेज से थोड़ा सा कम होता है, लास्ट वाले से थोड़ा सा कम, तो 2.6 से थोड़ा सा कम, 2.595, तो कोई 2.595 मार देगा, ठीक है ना? मतलब इस क्वेश्चन को दे के अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि ये बच्चे से गलत करवाना है, बिकॉज बहुत लोग इसे घर से सॉल्व करके आएंगे तो ठीक कर लेंगे एग्जाम में, मेरा इंटेंशन ये होता कि बच्चे को एग्जाम में बुलाओ, उसका टाइम वेस्ट करवाओ, ऐसा क्वेश्चन दो जो अगर उसे दिखता हो तो 10 सेकंड का हो, लेकिन अगर वो ध्यान ना दे तो 10 मिनट लग जाए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में 10 10 मिनट लगवा दिए बच्चा पक्का फेल है, अगली बार फिर आइयो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ के, ठीक है? आप इसे सॉल्व करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का।
देखना कैंडिडेट्स बता रहे हैं, ये वाले केस में आंसर आ रहा है 2.6068, 6068, और इसमें आंसर आया था लोगों का 0.79 बताया था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितना आंसर आया? 0.79। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, कैंडिडेट्स कह रहे हैं 0.7975%। बाय द वे ये आपकी बुक्स के क्वेश्चन है, 0.7975 या 0.7973 जो भी किया आपने सब चलेगा, ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, बुक में है ये, मैं बता दे रहा हूं आपको, जस्ट वन सेक। दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जो मैंने बाद में दिया आपको, इसका 2.607 आंसर लिखा हुआ है बुक में, ये क्वेश्चन सेट टू है, ये ऑन पेज नंबर 222। दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज 222, क्वेश्चन सेट टू है ये, और जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है आपको दैट इज ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल टू ऑन पेज 218, एग्जाम्पल टू ऑन पेज नंबर 218। मैं बता रहा हूं आपको, जो बंदा पूरी की पूरी सी बुक सॉल्व करता है ना, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन कर लिए, एंड ऑफ करिकुलम कर लिए, श्वेजर पूरी की पूरी कर ली, उसके बाद में ना ये नहीं आता, और उसके बाद जाके सीएफए के पोर्टल से मॉक एग्जाम्स दे दिए, फिर श्वेजर के मॉक एग्जाम्स दे दिए, समवन हु इज डूइंग ऑल दिस, उसको कभी क्वेश्चन की कमी नहीं लगती है। जो बंदा ये सब सॉल्व नहीं कर रहा होता ना, जो ब्लू बॉक्स छोड़ दे, यहाँ वहां कुछ मस्ती कर ले, उसको लगता है ये मिल जाए वो मिल जाए, और अदरवाइज कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है, चलो आई थिंक दिस इज इट, और कुछ नहीं ऐड करना है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, कंप्लीटली डन, मेरे एंड से ये चैप्टर ही होता है इनफैक्ट फिनिश। आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, इट्स अ ब्लडी गुड चैप्टर। अगर मैं एग्जामिनर होता, ट्रस्ट मी, मैं इतने क्वेश्चंस देता यहाँ से, इतने क्वेश्चंस देता, शायद मेरे फिक्स्ड इनकम के 20% 30% क्वेश्चन इस एक चैप्टर से देता, बिकॉज मुझे पता है अच्छे वालों के बस का नहीं है इस चैप्टर को ढंग से करना। थैंक्स अ लॉट, नथिंग मोर टू ऐड इन दिस। एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट की, जिसमें मैंने सारे के सारे रेट्स एक साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वन, टेक केयर, बाय बाय।